सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो है, धमाकेदार डील लेकर आया तुम्हारा भाई आपके लिए। तो आप इतने में बाइक के शॉट देखो, इन्जॉय करो। तो गाइज, मैं जिस बड़ी डील के बारे में आपको बता रहा था वो ये री जावा 42 300 cc। तो ये डील है जो सब में बड़ी आज होने वाली है। तो हमारे गोरी भाई हमारे साथ में है। तो हेलो भाई गोरी शंकर। तो भाई बताइए जरा इस बाइक की खासियत क्या है, आपने कितने में परचेज करी थी, क्या है? भाई ये मैंने दिवाली को ली थी आपने बाइक। अच्छा ठीक है। और मतलब रॉयल एनफील्ड का तो पता बहुत क्रेज है। हाँ वो तो है। मेरे को चाहिए जो पावर दे मेरे को। अच्छा, तो इसकी पावर क्या है? पावर भाई इसकी 24/7 BHP है। 7 मतलब क्या है? 27 BHP। अच्छा ठीक है। 27.5 टॉर्क है। टॉर्क है। बाकी अगर रॉयल एनफील्ड क्लासिक से इसे करोगे कंपेयर तो वो है 19 BHP। ठीक है। और 28 टॉर्क है। लेकिन जहाँ बात आती है ना BHP की, तो तुम्हें लगता है कि पावर नहीं है। और वैसे भी जब भी गाड़ी रोड पे चलती है ना तो लोग देखते हैं। अच्छा ठीक है। क्योंकि इसमें तुम देखोगे ना, अगर तुम भी देखोगे तो तुम्हें अच्छी लगेगी। देखने में तो बहुत लोग प्यारा ही है। और तुम्हें देखिए चीज़ एकदम मतलब ओल्ड स्कूल टाइप है बाइक। ठीक है। क्लासिक का मतलब थोड़ा हैवी भी है। और अगर निकलो ना बहुत प्रॉब्लम है उस गाड़ी को देखें। अच्छा। और लेकिन अब इसमें जो है, अब इसमें 42 2.1 आ चुका है। इसमें कलर भी नए आ गए हैं, थीम भी नहीं है। और अलावल और स्पोक का तुम्हें मिल जाएगा। तो आपने इसमें ऊपर से कुछ काम करा रखा है? काम भाई लेग गार्ड लगवा रखा है। अच्छा। सीट का कुछ नहीं, वैसे अगर तुम स्टॉक में लोगे तो कुछ खास नहीं है। ठीक है। लगा सीट लगा है। पीछे का ये लगवा रखा है। अच्छा। फोन होल्डर है। हाँ ठीक है। छोटी छोटी काम करवा रखे गाड़ी का। अच्छा। तो अभी आपने दिवाली को ली थी समथिंग? हाँ। है तो आप इसे बेचना चाहते हो? है सेल करना है, क्योंकि मेरे को इंटरसेप्टर 650 पे जाना है। कौन सी? रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड 650 इंटरसेप्टर 650 cc चाहिए। तो आप इसे अब देखना चाहते हैं? अभी तो लग रहा है मुझे 3-4 महीने भी नहीं हुए खरीदे हुए। दिवाली अभी तो थी, थोड़ा टाइम ही हुआ है बस क्या ना कि थोड़ा पावर अच्छा चाहिए। टूरिंग में 7 के ग्रुप होते हैं, 7 के लड़के आगे निकल जाते हैं, फिर ना होता है। अच्छा। तो उस वजह से। और इसका थोड़ा जो है, हम ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं तो नीचे टच होता है। अच्छा, कहाँ टच होता है? नीचे। तो भाई आपने ये बाइक 2 लाख की खरीदी थी, तो अब आप इसे सेल करेंगे तो कितने लाख की करेंगे जरा बता दो कैमरे में देख के। भाई मैंने 2 लाख की ली थी इसे। मैं अभी 130 डिमांड कर रहा हूँ, बाकी नेगोशिएबल है। मतलब भाई का कहने का मतलब है 1,30,000 बोल रहे हैं, बाकी ऊपर नीचे भी हो सकता है। मतलब ऊपर तो नहीं, नीचे बाकी हो सकता है। हाँ बाकी यार अपने भाई का नाम लेना, बाकी और कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएंगे, 1-10 1-20 तक की आपको पड़ जाएगी। हाँ। तो भाई जरा इसके सुनाना मेरे को इसका एग्जॉस्ट। हाँ तो भाई एक बार सुना दो मेरे को यार जरा। तो गाइस आपने एग्जॉस्ट सुन लिए होंगे भाई, अभी इसमें ना डिबी कलर हटे नहीं है। अच्छा। अगर ये हट जाएंगे तो थोड़ी ज्यादा और आवाज। अच्छा, साउंड मतलब बढ़ा सकते हैं? साउंड बढ़ जाएगी। तो भाई साउंड भी हम बढ़ा सकते हैं। तो गाइस अगर आप में से किसी को ये बाइक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मोबाइल नंबर डाल दूंगा, तो आप कॉन्टेक्ट कर लेना। और इंस्टाग्राम की आईडी भी मेंशन कर दूंगा, तो उधर भी फॉलो कर लेना। बाकी ठीक है भाई, तो एक राइड बनती है भाई मेरी भी। भाई जरूर भाई। तो भाई मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपकी जावा। हाँ भाई बिल्कुल चलाएंगे यार। भाई वैसे हैवी तो है आपकी बाइक? वैसे आपकी बाइक हैवी तो है? हाँ भाई बस थोड़ी मोड़ी के लिए।
तो गाइस जिन भाई की ये बाइक है शंकर बॉब की, उनका भी एक यूट्यूब पे चैनल है, जाके एक बार विजिट ज़रूर कर लेना। मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है भाई के यूट्यूब चैनल का, तो एक बार ज़रूर विजिट कर लेना। भाई व्लॉगिंग करते हैं, अच्छा व्लॉग बनाते हैं, तो ज़रूर देखना।